और मैं सैफ अर्जुन स्वागत करता हूँ आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरा यूट्यूब चैनल सैफ अर्जुन VK01। दोस्तों चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज मैं आपके लिए लेकर आता हूँ क्रिस्पी पेपर कॉर्न। क्रिस्पी पेपर कॉर्न किस तरीके से हम होटल बनाते हैं या रेस्टोरेंट बनाते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों चलिए दोस्तों शुरू करते हैं रेसिपी। दोस्तों क्रिस्पी पेपर कॉर्न रेसिपी के लिए हम यहाँ पे 100 ग्राम कॉर्न ले लेंगे। हम यहाँ पे 1000 कॉर्न का यूज कर रहे हैं, आप कोई भी कॉर्न यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे 100 ग्राम कॉर्न ले लेंगे। उसके बाद दोस्तों हमें इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसे धो लेंगे अच्छे से। इससे क्या होगा दोस्तों, जो हमारे कॉर्न्स हैं वो 1000 कॉर्न्स हैं, पानी डालने से इसकी आइस निकल जाएगी और फिर इसके बाद हम इसका पानी निकाल के इसे मैश कर लेंगे। मैश इसलिए करते हैं दोस्तों, जब हम कॉर्न फ्राई करेंगे तो फटेंगे नहीं। कॉर्न क्या होता है दोस्तों, पानी छोड़ता है और फ्राई करते समय पानी छोड़ते समय ये फट जाते हैं, तो इससे फटेंगे नहीं। दोस्तों क्रिस्पी पेपर कॉर्न के लिए हम यहाँ पे 1/2 टेबल स्पून नमक डालेंगे। 1/2 टेबल स्पून नमक डालने के बाद दोस्तों हम इसमें 1 टेबल स्पून चिली पेस्ट डालेंगे। दोस्तों इससे क्या होगा दोस्तों, थोड़ा कॉर्न जो होंगे अंदर से थोड़ा स्पाइसी और सॉल्टी रहेंगे दोस्तों। तो इस वजह से हम नमक और चिली पेस्ट यूज करेंगे और इनको मिक्स कर लेंगे आपस में। उसके बाद दोस्तों इसमें हम 50 ग्राम कॉर्नफ्लोर डालेंगे। कॉर्नफ्लोर से क्या फ़ायदा होगा दोस्तों, जो कॉर्न्स हैं वो क्रिस्पी बनेंगे। देखिए हम इसमें 50 ग्राम कॉर्नफ्लोर डालेंगे। अब 50 ग्राम कॉर्नफ्लोर डालने के बाद इन चीज़ों को मिक्स कर लेंगे दोस्तों। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और दबा लेंगे अच्छे से एक बार। इससे क्या होगा दोस्तों, जो पानी है वो बाहर निकल जाएगा और जो इसका मिक्सचर है वो आपस में चिपक जाएगा। कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर जो है आपस में चिपक जाएगा पूरा। तो इसमें कॉर्नफ्लोर डाल देंगे हम। देखिए दोस्तों इस तरीके से हमें मिक्स करना है इसको। इस तरीके से मिक्स करने के बाद इसे हम तो कॉर्न को अभी हम साइड कर लेंगे। उससे पहले हम कटिंग कर लेंगे इसकी। हम यहाँ पे 1/2 ऑनियन लेंगे, उसे हम इस तरीके से क्यूब कट कर लेंगे छोटे छोटे। इस तरीके से क्यूब कट कर लेना है। इसी तरीके से क्यूब कट करने के बाद हम यहाँ पे 3 बेल पेपर ले रखे हैं, रेड येलो ग्रीन। तो हम स्लाइस ले लेंगे छोटा सा और उसे भी इसी तरीके से कटना है हमें। हम उसे भी इसी तरीके से कट कर लेंगे। हमने यहाँ पर रेड पेपर भी ले रखा है और रेड पेपर को भी हम एक स्लाइस लेंगे और उसे भी इस तरीके से कट कर लेंगे। कट करने के बाद दोस्तों हमें इसे भी इस तरीके से स्लाइस कर लेना है क्यूब टाइप के। और एक ग्रीन कैप्सिकम को भी हम एक स्लाइस कर लेंगे। इसी तरीके से ग्रीन कैप्सिकम को भी एक स्लाइस काट लेंगे और इसी तरीके से उसे भी क्यूब काट लेना है हमें। ये तो दोस्तों हमारी कटिंग रेडी हो चुकी है। इसी तरीके से हमें कटिंग करनी है दोस्तों इसकी। बाकी हम यहाँ पे 2 ग्रीन चिली ले रखी हैं, उनके भी हमें इसी तरीके से स्लाइस कट कर लेना है। ये देखिए इसके बारीक स्लाइस काट लेने हैं पतले। और उसके बाद ये कटिंग तो रेडी हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, कॉर्न के लिए हमने तेल गरम करके रखा हुआ है और तेल में हम कॉर्न डाल देंगे दोस्तों। ये तेल तो गर्म हो चुका है दोस्तों हमारा। हम जो भी कॉर्न हमने रखे थे उसे फ्राई करने के लिए रख देंगे। दोस्तों जो हमने कॉर्न मैश करके रखा हुआ था वो देखिए तेल में डालने के बाद फट नहीं रहे। देखिए हमने इसी वजह से मैश किए थे कॉर्न। देखिए आप ऐसे ही करिए, क्योंकि अगर आप बिना मैश करे हुए कॉर्न को डालेंगे तो फटेंगे आपस में और ये ऊपर उछलेंगे। तो आप इस तरीके से हमारे कॉर्न होने के बाद हमने क्या करना है, चाइनीज वॉक ले लेना है। चाइनीज वॉक में हमने 1 टेबल स्पून ऑयल डाल रखा है। उसके बाद जिंजर गार्लिक चॉप करे हुए डाल दिए। उसके बाद दोस्तों हमने क्या करना है, जो हमारी कटिंग्स थी कटिंग्स को भी हमने इसमें डाल देना है और इसे टॉस कर लेना है दोस्तों। इस तरीके से हम इसे टॉस कर लेंगे, एक बार घुमा लेंगे। दोस्तों आपका चाइनीज वॉक नहीं है तो आप कोई भी छोटा पैन यूज़ कर सकते हैं नॉन स्टिक टाइप का। तो हम यहाँ पे चाइनीज वॉक का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद दोस्तों हम इसमें हल्का सा पानी डाल के इसे सॉस टाइप का बना लेंगे, हल्का पानी डाल के। उसके बाद क्या करना है, हमें हल्का टमाटर केचप डालना है। 1 चम्मच टमाटर केचप डाल दिया इसमें दोस्तों। टमाटर केचप डालने के बाद हम इसमें 1 टेबल स्पून चिली पेस्ट डालेंगे। 1 टेबल स्पून चिली पेस्ट डालेंगे इस तरीके से। और फिर उसके बाद हमें क्या करना है दोस्तों, उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, हम 1/2 टेबल स्पून इसमें हम नमक डालेंगे, 1/2 टेबल स्पून चिकन ब्रोथ पाउडर, 1/2 टेबल स्पून चिकन ब्रोथ पाउडर डालने के बाद हम इसमें 1/2 टेबल स्पून वाइट पेपर पाउडर डालेंगे। उसके बाद 1/2 टेबल स्पून ब्लैक पेपर पाउडर। उसके बाद 1 टेबल स्पून हम ग्रीन चिली डालेंगे। और उसके बाद सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे दोस्तों। इस तरीके से घुमा लेना है हमें।
उसके बाद हमें जो कॉर्न फ्राई कर रखे हैं उनको एक बार हल्का सा निकाल के, निकालने के बाद देखिए दोस्तों कितने क्रिस्पी हो रखे हैं, तो हमें इस सॉस में डाल देना है इसे। और हमने यहाँ पे एक कॉर्नफ्लोर का घोल बना रखा है, उसे हम इस पर डाल देंगे दोस्तों। कॉर्नफ्लोर का घोल डालना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, इससे क्या होगा दोस्तों जो सॉस है वो आपस में चिपक जाएगी इस पर और सॉस गीली नहीं रहेगी, पूरा ड्राई बन जाएगा दोस्तों ये। तो इसमें हम एक टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर डाल देंगे और इसे घुमा लेंगे दोस्तों। यहाँ पे हमारा कॉर्नफ्लोर तो कम हो रखा है दोस्तों, तो हम इसमें हल्का कॉर्नफ्लोर और डाल देंगे और कॉर्नफ्लोर का घोल डालने के बाद इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और ये देखिए हमारा क्रिस्पी कॉर्न रेडी हो चुका है दोस्तों। इसमें क्या करेंगे दोस्तों, हम हल्का सा स्प्रिंग ऑनियन डालेंगे, इससे क्या होगा थोड़ा इसका टेस्ट बढ़ जाएगा और फ्लेवर इसका जो स्प्रिंग ऑनियन का फ्लेवर है वो कॉर्न के अंदर आ जाएगा दोस्तों। तो हम इसमें हल्का स्प्रिंग ऑनियन डालने के बाद इसे निकाल लेंगे। यहाँ पर हमने एक प्लेटिंग ले रखा है और इसकी हम प्लेटिंग कर लेंगे, प्लेट में इसे लगा लेंगे थोड़े से अच्छे से इस तरीके से, इस तरीके से लगाना है दोस्तों। बहुत प्यारी रेसिपी दोस्तों, आप घर पे ट्राई जरूर करें इस रेसिपी को। और इस तरीके से मैं प्लेटिंग कर लेंगे दोस्तों। देखिए प्लेटिंग करने के बाद हमने यहाँ पे कुछ स्प्रिंग ऑनियन स्लाइस ले रखे हैं, उसे हम ऊपर लगा लेंगे दोस्तों, इसके इस तरीके से ऊपर से लगा लेना है। बाकी दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें दोस्तों। बाकी मैं आपके लिए ऐसी रेसिपी लेते आऊँगा दोस्तों। कितनी